हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चा अगर जल जाए तो एज अ फर्स्ट एड हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट अक्सर घरों में होते रहते हैं। बच्चा किचन में अगर कोई गर्म चीज़ों को उसने टच कर लिया है या फिर गर्म चाय, गर्म दूध, गर्म पानी उसके ऊपर गिर गया है, तो फिर हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अक्सर जल्दबाजी में कुछ गलतियाँ हम पेरेंट कर लेते हैं जिसकी वजह से परेशानी बच्चे की और ज़्यादा बढ़ जाती है। गलतियाँ क्या हम करते हैं, वो है कि जैसे ही हमें लगता है कि बच्चे को कुछ जला है या फिर बच्चे ने कोई गर्म चीज़ टच कर लिया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ठंडा ठंडा पानी उसके ऊपर डालेंगे या फिर बर्फ डालेंगे या फिर आइस पैक से उस जगह की सिकाई करेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इससे फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता है और ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि गर्म चीज़ अगर बच्चे ने अभी अभी टच करी है तो गर्म है बच्चे का हाथ, अभी उसके ऊपर आप बर्फ डालेंगे या ठंडा पानी डालेंगे तो एक शॉक लगेगा बच्चों की बॉडी को, जो बच्चों की रिकवरी में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा और ज्यादा परेशानी क्रिएट करेगा। तो बर्फ का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर बच्चे का हाथ जला है तो बच्चे के हाथ को आप रनिंग टैप वाटर के नीचे रख दीजिए। टैप में से अगर पानी बहुत फोर्स के साथ आ रहा है तो उसके ऊपर आप अपना हाथ रखिए ताकि पानी का फ्लो एकदम थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और फिर वो बच्चे के हाथ के ऊपर गिरे। तो एक दो मिनट नहीं लेकिन करीब 5-10 मिनट आप रनिंग टैप वाटर के नीचे जो भी बच्चे का बॉडी पार्ट जला है वहां पर पानी डालते रहे, तो इससे बच्चे को रिकवरी मिलेगी और इससे क्या होगा कि वो जो बर्न हुआ है वो और ज्यादा डैमेज अंदर बच्चे को नहीं करेगा। और आपको क्या करना चाहिए, बच्चे की अगर हाथ के ऊपर गिरा है तो बच्चे के हाथ को आप थोड़ा सा उसके हार्ट से, उसके दिल से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए ताकि जो ब्लड का फ्लो होगा वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगर वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा मतलब हाथ के ऊपर गिरा है, हाथ के ऊपर जला है, तो वो हाथ की तरफ नहीं जाएगा ताकि परेशानी ज्यादा ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि बच्चे के हाथ के ऊपर अगर बच्चे को बर्न हुआ है तो वहां पर आपके पास दो ऑइंटमेंट फर्स्ट एड के किट में जरूर से होने चाहिए। उसमें से एक है बर्नोल और एक है सिल्वरेक्स, इन दोनों में से कोई भी एक ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं। क्या करें अगर ये ऑइंटमेंट भी आपके पास उस समय अवेलेबल नहीं है जिस समय बच्चे को बर्न हुआ है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आप जो पानी वाला हिस्सा है पानी के नीचे अगर आपने रखा है तो वो थोड़ा सा गीला होगा, उसको पहले आप थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए। उसके बाद उस एरिया के ऊपर आप सिंपली घी लगा लीजिए। घी सबके घरों में होता है तो घी लगाने से उस एरिया के ऊपर थोड़ी सी ठंडक मिलेगी और वहां पर रिकवरी भी होगी। क्या गलतियां और हम पेरेंट करते हैं, वो है कि हम टूथपेस्ट लगा लेते हैं, कई बार आलू का रस लगा लेते हैं, लेकिन एक्चुअली इससे भी वहां पर परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। एक्चुअली आलू के अंदर ब्लीचिंग एजेंट होता है, वो जलने में कोई भी हेल्प नहीं करेगा, तो इस तरह की चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये दो ऑइंटमेंट में से कोई भी एक लगा सकते हैं या फिर आप सिंपली घी लगा दीजिए। तो अगर बच्चे को छोटी मोटी बर्न होगी, जैसे कि बच्चे की स्किन का सिर्फ ऊपर का लेयर जला है, तो करीब 7 से 10 दिन में ये ठीक हो जाएगा घी लगाने से या फिर ऑइंटमेंट लगाने से। या फिर अगर बच्चे को बहुत ज्यादा बर्न हुआ है तो फिर आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे आपने पानी के नीचे हाथ को रखा और थोड़ा सा उसको कवर कर लीजिए, साफ कर लीजिए और सीधा आप डॉक्टर के पास चले जाइए। लेकिन अगर छोटी मोटी बर्न है तो फिर आप इस तरीके से ऑइंटमेंट के साथ या फिर घी के साथ घर पे ठीक कर सकते हो और उस जगह पर ज्यादा बच्चे को टच नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को खुजली होती है, इरिटेशन होती है, बच्चे छूटे हैं, अगर वहां पर फफोला पड़ा है तो उसको बिल्कुल भी छूना नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, ज्यादा टाइट पट्टी मत करिए, आप हल्का सा पट्टी कर सकते हो ताकि वहां पर धूल मिट्टी ना लगे या फिर बच्चा गंदे हाथ से टच ना करे या फिर खुजली वगैरह ना करे। तो हल्की सी पट्टी बांध सकते हो या फिर आप कोई हैंकी, साफ हैंकी को उसके ऊपर लपेट लीजिए ताकि उस जगह पर ज्यादा बच्चा टच ना करे, उस एरिया पे और ज्यादा चोट ना आए, कहीं बच्चे को वहां पर और चोट ना लग जाए। अगर बच्चे को वहां पर बार बार बच्चा छूटा रहेगा या फिर वहां पर फिर से चोट लग जाएगी तो फिर वहां पर इन्फेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है, फिर वहां पर फफोलों में से आपको पस नजर आएगा। अगर इस तरह की परेशानी हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले आप पानी के नीचे हाथ को 5-10 मिनट तक जरूर से रखिए, उसके बाद आप ऑइंटमेंट लगा सकते हैं,
सिल्वरेक्स या फिर बर्नोल या फिर आप सिंपली घी लगा दीजिए। आपको क्या बिल्कुल भी नहीं करना है वो है कि आप बिल्कुल भी बर्फ से सिकाई मत करें या फिर आप कोई टूथपेस्ट या फिर आलू का रस ऐसी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।